हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं नीता रख पापा और बच्चे हम सभी चारों घर वाले सेवल मंडल कोटा घूमने आए थे। तो ये शाम का टाइम है, इस टाइम साढ़े पाँच बजे होंगे ना, तो इस टाइम का टाइम है, सभी लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। शाम के टाइम ज़्यादा रौनक होती है, तो हम इनके साथ आए थे। तो चलो अब हम आपको सभी मतलब चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे जो भी है। और यहाँ पे ये और भी लोग हैं जो सब एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये इधर देखो, ये यसु कैसे बना है, हेलमेट को खुद ने ले लिया है और इसके सिर पे। और बार तो मैं पहनती थी, इस बार ये पहन रहा है। मिस्र का पिरामिड है ये। तो यहाँ पे हम लोग बहुत मतलब पहले भी आए थे एक बार। और यहाँ पे देखो शाम का नज़ारा मतलब शानदार, जैसे शाम होती जाएगी रात होती जाएगी वैसे थोड़ा अच्छा लगेगा। और सभी लोग घूमने आ गए हैं, और भी बताएंगे हम आपको आगे। तो यशु और नितारा तो आगे चले गए हैं, और इधर जो है ना फुहारा चल रहे है, तो इस पे मतलब एंजॉय कर रहे हैं। अंदर भी चले, खुशी तो बांटी जाती है एक दूसरे के साथ। आज अब जाके खेलों को मना है हमने, तो अब जाके ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हो रही है। और अब जाके ये वीडियो में बोलने लगी है। तो जब तक ये नहीं बोलती तो मेरे को भी खुशी नहीं मिलती। हाँ, खुशी तो एक दूसरे के साथ बांटी जाती है। लोग हमारे दोस्त लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम तो कहते हैं कि भगवान उनको हर खुशी दे, जो भी वो चाहे उनको सब मिले। और आप सभी को जिन्होंने हमको यहाँ पर पहुँचाया, जो जहाँ भी जाते हैं हम, तो हमको सब जानने वाले जरूर मिल जाते हैं। और है ना, आपको हम ताजमहल दिखाते हैं जो कोटा में बना हुआ है। ये कोटा में बना रखा है उसका ताजमहल। तो मैं इनसे बोल रही हूँ, देखो ये है ताजमहल। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज। किसने बनाया था? शाहजहां ने। क्यों बनवाया था? प्यार के लिए बनवाया था उसे, प्यार। आप क्या बनवा रहे लोग हैं, फोटो तो खींच रहे हैं। आगे चल रही है, देखो यहाँ से ताजमहल एकदम कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही साफ। और यहाँ पे फोटो शूट ले रहे हैं एक दूसरे का सभी लोग। और नीता रख पापा काफी दूर जा चुके हैं। किशोर सागर, हाँ किशोर सागर है, काफी लंबा पुल है, बहुत दूर दूर तक बह रहा है ये। तो देखो यहाँ पे काफी सारे लोग घूमने के लिए आए हैं। असु हेलो कर बेटा, आ जाओ। जो लेडी जा रही है ना, वो मेरी ड्रेस को देख के मुस्कुरा रही थी। एक बोल रही थी आपके इनकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। मतलब मैं ना पता है बहुत जगह जाती हूँ, ये न्यूयॉर्क में है, ये देख लो छवि। बच्चों को देख के हंस रहा है, पसंद आ गई तो उसको मुड़ रहा है, ये मेरी दीदी बिट्टू है। और आपको एक चीज और दिखाते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, अब आप स्वामी देखो इसमें थोड़ा झुका हुआ। इस इमारत का नाम है पीसा की झुकी हुई मीनार, और देखो स्वामी झुक रही है ये। झुकी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स मिले हैं, इन्होंने अभी वीडियो देखी। तो यहाँ पे मिले थे, इन्होंने बुलाया मेरे को, तो वो लोग चले गए। बोल रहे थे हमने अभी देखी थी आपकी वीडियो, इसलिए पहचाने हैं, तो आपसे बात करने आए थे। तो यहाँ पे ये देखो शाम का नजारा है, और अब शाम होती जा रही है, और पब्लिक आ रही है और जा रही है। और यशु बोल रहा है कि रात होने वाली है। हाँ सभी आप कोई फोटो पर शाम के समय का नज़ारा यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है वैसे। ये देखो एफिल टावर है जो हाँ जो पेरिस में बना हुआ है।
भी आए हैं गांव से इसे देखने के लिए। हम भी आए इसको देखने के लिए, पहले आए थे बहुत पहले, और अब शायद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम काफी दूर आ गए, बस एक मीनार बची है ये वाली, तो इसको भी बताएंगे। और इधर होटल लगी हुई है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि आइसक्रीम खाएंगे। और इधर देखो काफी सारे ज्यादा तो ये है, ये क्रास्ट द रिडीमर, तो मैं भी देख देख के बता रही हूँ इंग्लिश। तो ये देखो ये लास्ट खत्म है, इधर से भी गेट है, इधर ये है। और अब चल दिए हम वापस घूम घाम के। तो देखो यहाँ का नजर, और यहाँ से सारे दिखाई देंगे, 1 2 3 4। तो जितनी भी है यहाँ पे सेवन मंडल का नजारा कुछ इस प्रकार दिखता है, काफी सुंदर लग रहा है ना इधर से। अनीता बोल रही है मुझको भी दिखा, तो अब जा रहे हूँ। तो यहाँ पे एक भैया बोल रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो अब हम लोग काफी दूर आ गए हैं। और यहाँ पे अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है, देख लो चारों तरफ, मतलब ये जो पानी में एक नजारा है ना, ये भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर भी काफी सारे लोग फोटो वोटो शूट कर रहे हैं अपना, और हम भी फोटो शूट कर लेते हैं, देख दो। हम दोबारा दूसरी तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पे अब काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। देखो ये भी आ गए मेरे पीछे, चली तारक पप्पू भी, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। भैया सुनीता अंदर मत घुस जाना, पुलिस वाले शिकायत करेगा। आज ये पूरी तरह हो गया है, और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए हैं। यशु और नितारा तो बार बार बोल रहे हैं कि चलो घर पे चलते हैं, तो इनकी वजह से अब थोड़ा चलते हैं, क्योंकि काफी देर भी हो गई है, घर पे भी खाना वाना भी बनाना है फिर उसको, इसलिए फिर अब ज्यादा देर रुकने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, इसका नाम तो नहीं पता, अभी फड़के बताएंगे आप सभी को। और यहाँ पे भी काफी सारे लोग हैं, फोटो शूट कर रहे हैं अंधेरा में टॉर्च के उधर। यस नीता आ जाओ, यस आगे चला गया है, ये देखो। अरे इधर से खाली खाली दिख रहा है, अंदर पीपल का पेड़ है। तो अब हम इसके चारों तरफ घूम के आ गए हैं, अब ज्यादा भीड़ आ रही है, जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे जल्दी लेके आ जाए। और अब हम लोग चल लिए हैं, देखो इधर से भी काफी भीड़ आ रही है। अब हम लोग तो जा रहे हैं, कोटा वाले लोग रात को आते हैं फिर घूमने, ज्यादा ज्यादा रौनक रात में ही होती है, दिन में कम होती है। ये देखो इस पे गेट से काफी सारी भीड़ है। चल बाबा चल, अब आ गए हम लोग गेट से बाहर। गेट से बाहर भी और यहाँ पे रखी हुई है गाड़ी, तो गाड़ी को यहीं से लेके जाएंगे मोटरसाइकिल। ये हमारी गाड़ी है, स्टार्ट करें ऐसे कॉल्टे किसी ने। देखो यहाँ पे भी अब जैसे जैसे रात हो रही है ना, वैसे वैसे कितनी सारी भीड़ आती जा रही है। धुंधला धुंधला देखो लगो, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे घूमकर, और लंबा पूरा भी है, इंजॉय भी किया। आए थे तब तो थोड़े सोच रहे थे, उदास से थे, लेकिन अब थोड़े हैप्पी है, तो अब जा रहे हैं हम लोग। अरे तो मैं ना चलाऊं गुब्बारा यार, तो यहाँ पे छोटा बच्चा गुब्बारा बेचवाएगा। गुब्बारा लेंगे तेरा बुढ़िया बाई कर, येलो करके गई है उसने।
पैसे से उठ तो नहीं जाएगा, बारह तो लिया नहीं है, इनको 5 रुपए दे रहे हैं नितरक पापा, क्योंकि बच्चे फोड़ देते हैं ना फिर थोड़ी देर में, सब चल दिए हम लोग भी वापस। ये नितरक पापा गाड़ी लेके बाहर आ रहे हैं, और ये भैया भी मिले हुए हैं यहाँ पे, ये भी बोल रहे थे तो मैं टिकट दे देती हूँ और पैसे दे देती हूँ, तब तक नितरक तो ये पर्ची है। यहाँ पे पैसे दे रहे हैं भैया को, टिकट काटते हैं ये लोग, खुला पैसे दे रहे हैं अब ये लोग। और अब हम दोनों आ गए बाहर, और यहाँ पे बच्चों को कुछ खाने की चीज खा रहे हैं, अब इनको कुछ खिला के ले जाएंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी ये लगे हुए गाड़ियाँ, तो यहाँ से बच्चों के लिए लेके जाएंगे कुछ खिला के। चलो ना इधर गाड़ी से उतरो, तो इधर टेबल कुर्सी है तो हम उधर बैठेंगे, जाके उतर ना, जो खाओगी वो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या 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 है, तो ये लेके आए यहाँ पे बैठा के खिला ले उसको, चल। अलग अलग डिमांड है, उनको जो चाहिए वो ले रहे हैं, और यहाँ पे भी काफी सारे लोग खा रहे हैं, ये तो काफी सारी भीड़ है यहाँ पे भी। हम भी आए हैं आज टिकिया खाने के लिए, पहली बार खा रहे हैं इस जगह पे, तो वैसे नितारा ने मंगवाया बर्गर, खाया है तो बोल रही है कड़ा है ये, लड़के तो खा मैं ये खा ले मत खाने का नितारा, इसको चाहिए था बर्गर, पता नहीं क्या सोच रही है ये, जान खाका से ढूंढ के लाती है। तो अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग घर पे आए हैं, आके मुंह धो के और दिया बत्ती लगाई है मंदिर में, दीपक जल रहा है, और ये लोग कुछ लेके आए थे रास्ते में से, तो ये खा रहे हैं कुछ लोग, कुछ ने तो खा ली चिप्पा से, ये खा रहा है चॉकलेट खा रहे हैं, ये भरपूर आनंद ले रहे हैं, और इधर ये बैठे हुए हैं। तो बस हम मैं तो खाना खा के आ गई हूँ, पूरा फुल लो के आई हूँ, ये क्योंकि ये नितारा रहे ना, मंग तो लेती है लेकिन खाती नहीं है कुछ भी है जो, और वो सब खेलों के गुण लगते हैं खाने में। हाँ मेरे को खाना पड़ता है, क्या करूँ, लेते हैं तो करना होता है ना। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, शायद अच्छी। तो अभी हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मेरा तो खैर मैं तो खाऊंगी नहीं, नितरक पापा ही खाएंगे, तो इनके लिए तो बनाना पड़ेगा मुझे को खाना, तो खाएंगे हाँ थे ना, मतलब कुछ अजीब अजीब खाना पड़ता है, इसकी पसंद सबसे अलग है नितारा की, और खाती भी नहीं है। एक दिन तो पिज्जा खाऊंगी और वो खाया खा लिया, और फिर वो भी नहीं खाया, और आज बोल रही बर्गर खाऊंगी, ये भी नहीं खाया, इसकी पसंद सबसे अलग है और खाती कुछ नहीं है, फिर वो सब खेलोगे। अरे तो वो कुछ अच्छे थोड़ी ना होते। तो अभी तो मैं खाना बनाऊंगी, ठीक है दोस्तों, बाय। हाँ दोस्तों जरूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा मेरे भाइयों, ठीक है जी।